सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट नमस्कार मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं अखबारों की सुर्खियां सुबह की ताजा ताजा चाय के कप की चुस्किया और हम दिखाएंगे अखबारों की सुर्खियां तो पहले दैनिक भास्कर से शुरू करते हैं कि आज दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर क्या खबर दी है मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ 2018 में हम होंगे दुनिया के पांचवी बड़ी इकनॉमी जी हां बिल्कुल भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है कि भारत अभी दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ यह पाँचवें स्थान पर पहुंच जाएगा और यही नहीं 2027 में अमेरिका और चीन के बाद यह तीसरे स्थान पर होगा यानी तब तक जापान और जर्मनी को भी भारत पीछे छोड़ देगा लंदन स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च सी बी आई आर ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में ये बता ये बात कही है कि इसके मुताबिक दो हज़ार बत्तीस में अमेरिका का अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पंद्रह वर्षों में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी में तीन एशियाई देश होंगे चीन भारत और जापान 2032 में तीन दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया भी टॉप टेन देशों में शुमार होंगे तब तक इटली कनाडा इस लीग से बाहर हो चुके होंगे रूस अभी ग्यारहवें स्थान पर है लेकिन यह तेल एवं गैस पर अधिक निर्भर है बिल्कुल ये खबर बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव है कि जहां आज भारत इकोनॉमिक्स के एक सटल अगर लाइन पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सातवें स्थान पर है और आने वाले दिनों में 2018 में ये कम से कम पाँचवें स्थान पर आ जाएगा और रूस ब्रिटेन जैसे शख्सियत वाले देशों को पीछे पछाड़ देगा पहली बार शैक्षिक पहुंचा चौंतीस हज़ार के पार सत्ता दो हज़ार सत्रह में अब तक का कुल सत्ताईस दशमलव आठ आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी में क्या कहना चाहेंगे आप राहुल जी जिस तरीके से देश का एक इकोनॉमिक जो ग्राफ बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं दु, दुनिया के और उसमें बहुत गिर रहा है तो अब आपका क्या कहना है क्योंकि एक पायदान जब देश थोड़ी तरक्की करता है तो एक बहुत पॉजिटिव वाली खबर है बिल्कुल देखिए देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि देश धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और जैसे कि विकास की बातें की जाती है कि विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है उससे देख यही कहा जा सकता है कि विकास हो रहा है और, और भी ज़्यादा विकास होगा ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और बेहतर ढंग से चल सके बिल्कुल आपको दूसरी खबर से रूबरू कराऊंगा कि दिल्ली के सोलह सौ स्कूलों में नर्सरी की सवा लाख सीटों पर एडमिशन के लिए आज से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे ये दिल्ली के उन पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है जो अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं संजीदा हैं और पढ़ाने के लिए ज़्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन है उनकी वेबसाइट में एडमिशन प्रोसेस व एडमिशन 2018 नाम से लिंक को क्लिक कर सकते हैं इससे पूरी डिटेल आ जाएगी और इसके बाद फॉर्म पर आ, कर फोटो समेत अपलोड करना आ, कर सकते हैं ध्यान रखें एडमिशन के लिए आधार ज़रूरी होगा अब मैं रुख करता हूं नव भारत टाइम्स की फ्रंट पेज पर आखिर उसने क्या खबर दी है आ, आ, आज के दिन मैं आपको बता दूं कि एलओसी पर एलओसी पार कर तीन सौ मीटर तक अंदर घुसे भारतीय जवान तीन पाक सैनिकों को ढेर कर दिया है जी हाँ पिछले दिनों चार सैनिक शहीद हो गए थे आ, हमारे देश में और पाकिस्तान की जो बर्बरता जो है जो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी लेकिन कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं या फिर एंड जो आ, केंद्र सरकार है वो कहती है ये अब सरकार वो नहीं है जो किसी से सलाह मशवरा करती हो कि सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सैनिकों को मारा है अब क्या करने चाहिए सैनिकों को खुला आदेश है कि अगर आप अगर पाकिस्तान एक मारता है तो आप चार मारिए और वही मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को अब मैं खबर की तरफ अगर रुख करूं तो बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 भारतीय सेना ने एल पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में 250 से 300 मीटर घुसकर अपने चार सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है जैसे को तैसा एक्शन में पाकिस्तान के तीन सैनिक मारे गए हैं और एक घायल हो गया है मारे गए पाक जवानों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है यह ऑपरेशन पिछले साल हुई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई नहीं थी लेकिन सैन्य हल्कों में से इस नई तरह की सर्जिकल स्ट्राइक को सिलेक्टिव टारगेट नाम से दिया गया है आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सोमवार शाम एलओसी पर पूछ भारत पूछ और भारत रावलोकोट पाक सेक्टर के चक्री में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई भारतीय सेना की घातक गा, टीम ने पांच सदस्यों ने शाम छः बजे सीमा पार कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है बिल्कुल मुंह तोड़ अपने दुश्मन को जवाब देना भारतीय सेना ने सीख लिया है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि भारतीय टी जो सैनिक है वो कहीं ना कहीं ना कहीं पूरे उत्साह और जज्बे से भरे हुए हैं और सैनिकों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए राहुल जी क्या कहना है कि जिस तरीके से पहले इस पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़ी हुई थी ये बीजेपी सरकार भले ही बीजेपी सरकार इस चीज़ को बोलती हो कि ये प्रधानमंत्री मोदी के आने से कुछ तो अच्छा हुआ है बिल्कुल देखिए अगर मैं देश के सैनिकों की बात करूं तो हमारे जवान सरहद पर हमेशा ड्यूटी देते रहते हैं अगर वो ड्यूटी देते हैं तो हम लोग चैन से सो पाते हैं अगर स्ट्राइक की बात करूँ जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया है और उनके घर में घुस कर मारा है तो उन्हें ये बात सबक कह सकते हैं कि सीख लेना चाहिए अगर आपने दोबारा से कोई गलती की तो हम पाकिस्तान कब्जा भी कर लेंगे कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और अगर दोबारा हरकत की तो इसका इंजाम बहुत बुरा भगतना, भुगतना भुगतना पड़ सकता है बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम जनसत्ता पे नज़र डालेंगे फ्रंट पेज पर जनसत्ता के फ्रंट पेज पर अगर जो जाधव केस जो है चल रहा है कहीं कही ना कहीं उसमें एक बहुत बड़े बड़ बहुत बड़ी ख़बर है लिखा है कि पाक के बर्ताव से भारत खपा है पूरी खबर की तरफ अगर हम नज़र डालें तो जाधव की मां के मराठी में बात करने पर इंटरकॉम बंद किया पत्नी के जूते नहीं लौटाए अब अगर पूरी में कुलभूषण जो पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना पूर्व कर्मचारी कुलभूषण जाधव की उनकी मां और पत्नी से मुलाकात का जो इंतज़ाम किया उस पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया दी है भारत ने पाकिस्तान के रवैये को अफसोसनाक बताते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने मुलाकात को लेकर तयशुदा आपसी समझ की भावना का उल्लंघन किया उन्होंने जाधव के परिजनों के साथ बदतमीची की जाधव से मुलाकात के लिए ले जाते हुए दोनों महिलाओं के कपड़े बदल बदलवाए बदल। बदल। गए उनके मंगलसूत्र और चूड़ी बिंदी तक उतरवा लिए गए जूते उतरवा दिए गए वापस लौटते हुए जाधव की पत्नी के जूते नहीं लौटाए गए भारत को शक है कि उन जूतों का पाकिस्तान किसी साजिश में इस्तेमाल कर सकता है भारत का आरोप है कि जाधव की मां को उनकी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये कुलभूषण जाधव हैं जो बैठे हुए हैं और ये एक शीशा की एक शीशे की ग्लास की परत है और इसके उस पार उनकी पत्नी और माँ बैठी हुई हैं और वो शीशे के ज़रिए इंटरकॉम के जरिए बात कर रही हैं ना तो उनको स्पर्श करने दिया गया है ना छूने दिया गया है लेकिन पाकिस्तान की रे ये जो बरबर रवैया है ये कहीं ना कहीं हमारे देश को झकझोर कर रख दिया है क्योंकि देख अगर एक जो बिंदी एक सिंदूर जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारी पड़ गया क्या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है एक से बिंदी से डर गया कि अगर एक सुहागन अगर एक बिंदी लगा के जाती है अपने पति से मिलने तो क्या पाकिस्तान का ऐसा रवैया बहुत घिनौना रवैया सामने आया है एक 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 व्यक्ति एक शीशों के उस पार से इंटरकॉम से बात कर रहा है और पत्नी और उसकी माँ एक किस तरीके का रवैया है मुझे लगता है कि भारत को इस चीज़ का भी मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए क्योंकि ये भारत क्या पूरा देश इस ऐसे रवैये को सहन नहीं करेगा ये बहुत बड़ी खबर है और एक खबर दिखा भले ही निगेटिव खबर है लेकिन झकझोर देने वाली है कहा जा रहा है कि दिल्ली में नोएडा में पेड़ से लटके मिले दो सगी बहनों के शव कहा जा रहा है कि यहाँ के सेक्टर उनचास के बरौला गांव में मं... मंगलवार सुबह दो सगी बहनों के शव पेड़ से लटके मिले मकान मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी पुलिस ने शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है मृतकों के माता पिता जिस कमरे में सो रहे थे उसकी कुंडी बाहर से बंद थी परिजनों ने दूर के रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया है जी हाँ जो मैं दूसरी खबर से रूबरू कराना चाहूँगा कि दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी और सीवर शुल्क हुआ बीस फीसद महंगा कहें जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बिजली और पानी बहुत सस्ता किया जाएगा लेकिन जैसे ही सरकार का रवैया बदला क्योंकि जो खर अरविंद केजरीवाल हैं जो वादे तो किए हैं लेकिन वो उस पर खरे नहीं उतर पाए दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी और राजधानी में पानी और सीवर शुल्क में संयुक्त रूप से 20 फीसदी वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है दिल्ली सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी प्रतिमाएँ बीस हज़ार लीटर पानी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगी हालांकि पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि पानी की ना सही लेकिन सीवर की बढ़ी हुई दरों का भुगतान उन उपभोक्ताओं को भी करना होगा जो प्रतिमाह बीस हज़ार लीटर तक पानी का इस्तेमाल करते हैं नई दरें फरवरी 2018 से लागू हो जाएंगी कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ब, जिस, वाधे तो किया लेकिन खड़े नहीं उतर पाए क्योंकि उन्होंने बिज सबसे बड़ा अगर सरकार में आने का बिजली पानी का एक बहुत बड़ा दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था बाधा खिलाफी की, की है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा राहुल जी ने की बाधा खिलाफी की है क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब कहीं ना कहीं बहुत साल हो गई तो अब जनता भूल गई होगी सारी चीज़ों को लेकिन जनता को सब याद है और वो आने वाले चुनाव में जवाब देगी बने रहिए हमारे साथ एस पी एन नाइन न्यूज़ के साथ हम देश दुनिया भर की सारी खबरों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार